जेल आपने कर दिया 65 रुपए लेते हैं, वो गाड़ी वाला भी तो मर रहा बेचारा। इंस्पेक्टर क्षेत्र में रहता था, अगर ऐसा होता था तो क्यों नहीं उसने व्यापारी को पहले ही नोटिस देके हिदायत दी, आज यह क्यों नहीं उसमें प्रयास किया, तमाम सचिव आए, तमाम ये आज की व्यवस्था तो है नहीं, तो इस पे सवाल तो लाजमी है, उठता है कि विभाग की निष्क्रियता कह लीजिए या तो कह लीजिए जिसे वो अतिक्रमण कहते हैं, इसमें कहीं उनकी संलिप्तता हो सकती है, इसे मैं खुले तौर पर कह सकता हूँ। यही दुकान जो उन्होंने आवंटित किया है वो जो है गलत बनाया हुआ है, अतिक्रमण है एक नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये अतिक्रमण है ही नहीं है, इसका व्यापार पे जो है बहुत दूरगामी असर होगा और ये जो व्यापार यहाँ का चल रहा है ये समाप्त हो जाएगा। दुकान के जिस हिस्से में मंडी समिति ने व्यापार करने की छूट व्यापारियों को दी थी उसी जगह को अब यह मंडी समिति अतिक्रमण रूप में इन लोगों के सामने पेश करके एक नया बखेड़ा पैदा कर दिया है। व्यापारी अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं और यह अगर समस्या सुलझी नहीं तो निश्चित रूप से गोरखपुर में व्यापार बुरी तरह से प्रभावित होगा, यहां से एक बड़ा संदेश प्रदेश को भी जाएगा। मुकेश पांडे, ईटीवी भारत, गोरखपुर।